हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट 3 कॉग्निटिव प्रोसेस में हम लर्निंग का सेकंड पार्ट आज स्टडी करेंगे। उसके बारे में लर्न करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि लर्निंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। जब भी मैं बात करता हूँ इन्फ्लुएंस की, तो इन्फ्लुएंस मतलब कम या ज़्यादा करना, सिर्फ कम करना नहीं होता है। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लर्निंग कम हो सकती है या ज्यादा भी हो सकती है। लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अ परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ऑफ द लर्नर थ्रू एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस। लर्निंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम बिहेवियर में परमानेंट चेंज लाते हैं थ्रू एक्सपीरियंस या प्रैक्टिस। कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं, जिसकी वजह से आपके बिहेवियर में परमानेंट चेंज होता है, जिसको हम लर्निंग बोलते हैं। या हिंदी में बोलते हैं हम सीखना। कार चलाना सीखा आपने, कोई लैंग्वेज सीखी या कुछ भी चीज। नेक्स्ट देखते हैं हम एलिमेंट्स। द लर्निंग प्रोसेस इज सेंटर्ड ऑन थ्री एलिमेंट। लर्निंग प्रोसेस के तीन एलिमेंट हैं, वो क्या क्या हैं ये करके देखेंगे। द लर्नर हुज बिहेवियर इज टू बी चेंज्ड और मॉडिफाइड, यानी कि जो सीखने वाला है या जो लर्नर है जिसका बिहेवियर मॉडिफाइड करना है या चेंज करना है। सेकेंड है द टाइप ऑफ एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग रिक्वायर्ड फॉर मॉडिफिकेशन इन द लर्नर्स बिहेवियर। किस प्रकार का एक्सपीरियंस या ट्रेनिंग जरूरी है लर्नर का बिहेवियर मॉडिफाई करने के लिए या चेंज करने के लिए। द मैन एंड मटेरियल रिसोर्सेज नीडेड फॉर प्रोवाइडिंग डिजायर्ड एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। क्या मैन और मटेरियल रिसोर्सेज लगना है? मैन और मटेरियल रिसोर्सेज मतलब है कौन आपको ट्रेनिंग दे रहा है, कितने लोग आपको ट्रेनिंग देने के लिए लगेंगे या एक्सपीरियंस के लिए लगेंगे। मटेरियल रिसोर्सेज में क्या क्या हमको मटेरियल यूज करना पड़ेगा ट्रेनिंग देने के लिए या लर्निंग देने के लिए, जो भी हमारा डिजायर्ड एक्सपीरियंस है या ट्रेनिंग है जो हम चाह रहे हैं उसके हिसाब से। तो तीन एलिमेंट हुए, क्या लर्नर, फिर टाइप ऑफ एक्सपीरियंस और मटेरियल और मैन रिसोर्सेस। फैक्टर एसोसिएटेड विथ लर्नर। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऐसे फैक्टर्स जो कि लर्नर के साथ एसोसिएट करते हैं। लर्नर फिजिकल हेल्थ, लर्नर यानी जो कि सीखने वाला है उसकी फिजिकल हेल्थ कैसी है। अगर पेशेंट बोल रहा हूँ, अगर जो लर्नर है उसको फीवर है, कोई फिजिकली प्रॉब्लम है, सेंसरी डिफिसिट है, जैसे हमने बात की थी परसेप्शन में अलग अलग सेंसेस होते हैं। अगर लर्नर को विजुअल सेंसेस अच्छे नहीं हैं या जो ऑडिबल सेंसेस जो है ईयर, वो उसमें कोई प्रॉब्लम है या इशू है, माल न्यूट्रिशन है, लॉस ऑफ स्लीप है, अच्छे से सोए नहीं है, फटीग है, थकावट है या कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो वो अच्छे से लर्न नहीं कर पाएंगे। फिर लर्नर्स मेंटल हेल्थ, लर्नर की मेंटल हेल्थ कैसा है। एक्सपीरियंस या जो कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं उसमें देखा गया है कि जिनको वरीज है, फियर है, डे ड्रीमिंग करते हैं। डे ड्रीमिंग मतलब ये जैसे कि आप क्लास में बैठे हैं, टीचर आपको पढ़ा रहा है, आपका दिमाग घूम रहा है बाहर, बाइक चला रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो इस प्रकार का अगर कुछ डे ड्रीमिंग आप करते हैं, फीलिंग ऑफ लोनलीनेस है, अकेलेपन की फीलिंग है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मतलब होता है अपने साथ वालों से जो कि आपके सेम ट्रेनिंग या लर्निंग कर रहे हैं उनसे अपने आप को कमतर समझना कि नहीं मैं वो ज़्यादा अच्छे हैं, मैं नहीं हूँ, ये होता है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इस प्रकार की कोई चीज़ है या सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्फ रिलायंस नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है टीचर के एटीट्यूड या जो आपके सराउंडिंग लोग हैं उनके एटीट्यूड की वजह से, तो लर्निंग उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। फिर बेसिक पोटेंशियल ऑफ लर्नर। बेसिक पोटेंशियल ऑफ लर्नर मतलब होता है कि आपका बेसिक पोटेंशियल, यानी जिसको हम बोलते हैं गॉड गिफ्ट, कुछ नेचुरल एबिलिटी जो है वो हर किसी में होती है। जैसे आप देखते हैं रियलिटी शोज वगैरह आते हैं, उसमें 3 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे कितना अच्छा डांस कर रहे हैं या कितना अच्छा गाना गा रहे हैं। हम 10 साल लर्निंग करने के बाद, सीखने के बाद भी उतना नहीं अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको वो नेचुरल एबिलिटी मिली है प्रकृति की तरफ से। तो अगर कोई नेचुरल एबिलिटी आपको मिली है और आप उससे रिलेटेड ही लर्निंग करते हैं तो आप बहुत ही जल्दी सीखेंगे। द लेवल ऑफ मोटिवेशन, जितना आपका मोटिव क्लियर होगा, जितना आप सीखने के लिए तत्पर रहेंगे उतनी अच्छी आपकी लर्निंग होगी। जितना अच्छा आप सीखने के लिए जितने मोटिवेट हैं उतना जल्दी आप सीखेंगे। अगर सीखने के लिए मोटिवेट नहीं है हम, तो हम उतना स्लो या नहीं सीखेंगे। गोल्स ऑफ लाइफ नेक्स्ट है। लाइफ के क्या गोल हैं वो आपकी लर्निंग अफेक्ट करते हैं। जैसे कि हमने कुछ बायोपिक देखी है अभी, स्पोर्ट बायोपिक, हमने मैरी कॉम देखी है, हमने धोनी देखी है,
उनका गोल क्लियर है शुरू से, कि मेरी कॉम का क्लियर गोल था कि मेरे को बॉक्सिंग ही करना है, मुझे बॉक्सर ही बनना है। तो फिर आप कैसे भी करके कुछ भी करके सीखेंगे ही। नेक्स्ट हम देखते हैं रेडीनेस एंड विल पावर। रेडीनेस एंड विल पावर मतलब होता है, विल पावर मतलब इच्छा शक्ति। रेडीनेस कितना आप रेडी हैं सीखने के लिए, तो अगर आपके पास विल पावर है, आप रेडीनेस है, तो कम संसाधनों में भी आप बहुत अच्छी लर्निंग कर सकते हैं। जैसे कि हमने बात की थी माइथोलॉजी से हम स्टोरी देख लेते हैं महाभारत की, एकलव्य। रेडीनेस थी, विल पावर थी, इच्छा शक्ति थी सीखने की, लेकिन उनके पास गुरु नहीं थे, तो उन्होंने एक स्टैच्यू बना के और प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। विल पावर स्ट्रांग थी तो बहुत अच्छे वो धनुर्धर बने, आर्चरी बहुत अच्छी थी उनकी। फिर देखते हैं मैच्योरेशन या मैच्योरिटी। कुछ स्किल्स ऐसी हैं जो हम एक लेवल ऑफ मैच्योरिटी पार करने के बाद ही सीख पाएंगे या सीख पाते हैं। जैसे कि अब इसको हम फिजिकल मैच्योरिटी में भी देख सकते हैं और मेंटल मैच्योरिटी में भी देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखें कि हमको रनिंग करना सीखना है, तो रनिंग करना या चलना सीखना है, तो आप 2 साल 2 महीने का बच्चा या 3 महीने का बच्चा नहीं कर पाएगा ना वो वॉकिंग या रनिंग। एक फिजिकली मैच्योर होना जरूरी है। तो एक मैच्योरिटी लेवल क्लियर करने के बाद ही हम कुछ थिंग्स जो है वो लर्न कर पाते हैं। फिर है एज। एज इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन लर्निंग। एज बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देर आर सर्टेन लिमिटेशन दैट ओल्ड पीपल फेस इन लर्निंग न्यू थिंग्स। कुछ लिमिटेशन हैं जो कि ओल्ड पीपल फेस करते हैं नई चीजें सीखने में। वही चीजें अगर कोई यंग या बच्चे सीखे तो जल्दी सीख जाएंगे, लेकिन ओल्ड एज जो है, ओल्ड एज पीपल्स जो है वो नहीं सीख पाएंगे, उनका लर्निंग प्रोसेस है वो काफी स्लो होगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो लर्निंग लर्निंग एबिलिटी है फॉर वर्बल मटेरियल, यानी कि वर्बली कोई आपको बोल रहा है तो आप सीख जाएंगे। ये जो वर्बल लर्निंग हमारी कैपेबिलिटी है वो 18-20 की एज तक बहुत अच्छी रहती है, उसके बाद ये स्लो हो जाती है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे इमोशन। अब इमोशन और जो हमने सेकंड पॉइंट लिखा है यहाँ पर लर्नर मेंटल हेल्थ, उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा आपको। इमोशन में क्या है, वहाँ पे हम देख रहे थे लर्नर की मेंटल हेल्थ कैसी है। कुछ उसको वरी है, लोनलीनेस की फीलिंग है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, या सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उनकी लर्निंग अच्छी नहीं होगी। इमोशन में क्या है, इमोशन में हम बात कर रहे हैं कि टेंशन और एंजाइटी या स्ट्रेस है, इनके डबल एक्शन होते हैं। डबल एक्शन से मतलब क्या है, पॉजिटिव एक्शन भी है और नेगेटिव एक्शन भी है। टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी अगर आपको बहुत ज़्यादा है तो आप लर्निंग नहीं कर पाएंगे या आपकी लर्निंग अच्छी नहीं होगी। लेकिन जैसे कि अगर आप अभी स्कूल क्लियर करके आए हैं, फर्स्ट ईयर में है, आपका टाइम टेबल आएगा अभी मेन एग्जाम का, जब भी टाइम टेबल आएगा तब अपने आप आपको फियर, एंजाइटी या स्ट्रेस होगा ही। उस एंजाइटी या स्ट्रेस की वजह से आप अपने आप, बिना बोले, कोई नहीं बोलेगा आपको, आप अपने आप ही मटेरियल बुक्स सर्च करना स्टार्ट कर देंगे और पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, सिलेबस देख लेंगे पहली बार कि भाई क्या क्या है सिलेबस में। तो एक ये पॉजिटिव इफेक्ट हो गया, क्योंकि उस स्ट्रेस की वजह से आपने पढ़ना स्टार्ट किया, आपने लर्निंग किया और आप क्लियर हो गए, फर्स्ट ईयर क्लियर कर लिया, जो भी आपका एग्जाम है उसको आपने क्लियर कर लिया। उस स्ट्रेस की वजह से ही आपने पढ़ना स्टार्ट किया। अगर टाइम टेबल नहीं आता तो आप स्ट्रेस लेते ही नहीं और पढ़ते ही नहीं, बुक्स उठाते ही नहीं। फिर है सेक्स या हम जेंडर। तो उसमें कोई भी सेक्स या जेंडर सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं होता है, दोनों इक्वल है। बस ये है कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा अलग होता है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट से बात करें हम, कि जैसे कि जो फीमेल्स हैं वो आर्टिस्टिक लर्निंग उनकी बहुत अच्छी होती है, आर्ट वाला। मेल्स का उतना नहीं होता है, वो उतना इंटरेस्ट नहीं देते हैं, इसलिए उतना अच्छा उनका लर्निंग नहीं होता है। और मेल्स जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लर्निंग उनकी बहुत अच्छी होती है। जैसे कि मान लो कि इनको लैपटॉप पकड़ा दिया या बैठे बैठे का काम, जिसमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट कम है, अकेले बैठ के वो काम करें, वो लर्निंग उनकी बहुत अच्छी होती है। और फीमेल्स की जो आर्टिस्टिक लर्निंग है वो बहुत अच्छी होती है। तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट की बात है, बाकी कोई सुपीरियर और इन्फीरियरिटी वाली बात यहाँ पर नहीं है। फैक्टर एसोसिएटेड विथ टाइप ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। अभी हमने बात की थी इसके पहले फैक्टर एसोसिएटेड विथ लर्नर, अब हम बात कर रहे हैं विथ टाइप ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, यानी किस प्रकार का लर्निंग एक्सपीरियंस आपको दिया जा रहा है उसका आपकी लर्निंग पे इफेक्ट पड़ेगा, कि वो ज़्यादा अच्छी लर्निंग कर रहा है या कम कर रहा है। तो उसमें देखते हैं नेचर ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। नेचर ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस मतलब किस प्रकार की लर्निंग आपको दी जा रही है या उसका क्या नेचर है, प्रकृति क्या है। तो इसमें हम एक सिंपल छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, छोटे एग्जांपल में छोटे बच्चों की बात करेंगे।
छोटे बच्चों की बुक आती है, जैसे हम देखते हैं कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, फिर थोड़ा सा अपडेटेड होती हैं, फिर हम देखते हैं उनमें अलग अलग प्रकार के एनिमल्स की या जो फ्लावर्स रहते हैं उसकी। तो अगर हम देखें कि एनिमल्स या फ्लावर्स, हमने उनको फोटो दिखाया और उसमें बताया कि ये एनिमल है, या फ्लावर्स वाला हमने उनको एक कैटलॉग दिखाया कि ये फ्लावर है, इसमें ये है, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें इस प्रकार की फ्रेग्रेंस आती है, तो एक लर्निंग ये हो गई। दूसरी लर्निंग, अगर हम छोटे बच्चों को जू लेके जाते हैं, चिड़ियाघर लेके जाते हैं, उनको हम एनिमल्स दिखा ही देते हैं, बर्ड्स दिखा देते हैं, हम उनको गार्डन लेके जाते हैं, हम उनको फ्लावर्स दिखा देते हैं, तो ये एक अलग एक्सपीरियंस हो गया उनका। दो टाइप की हो गई लर्निंग। तो हम देखेंगे कि जो हम जिनको जू लेके गए थे, जिनको हम गार्डन लेके गए थे, उनमें उस चीज़ पर्टिकुलर थिंग को लेके ज़्यादा अच्छी लर्निंग हुई, या हमने जिनको सिर्फ फोटो दिखाई थी उनकी लर्निंग उतनी अच्छी नहीं हुई। तो ये हो गया हमारा फैक्टर एसोसिएटेड विथ टाइप ऑफ लर्निंग, किस प्रकार का लर्निंग एक्सपीरियंस आपको दिया जा रहा है, उससे हमारी लर्निंग अच्छी होगी या कम अच्छी होगी। नेक्स्ट है लॉ ऑफ लर्निंग। साइकोलॉजिस्ट हैव आइडेंटिफाइड सेवरल प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, ऑल्सो रेफर्ड एज लॉ ऑफ लर्निंग। साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स आइडेंटिफाई किए हैं लर्निंग के, जिनको हम लॉ ऑफ लर्निंग भी कहते हैं, विच आर जनरली एप्लीकेबल टू द लर्निंग प्रोसेस, जिनको हम जनरली अप्लाई कर सकते हैं लर्निंग प्रोसेस में। दीज प्रिंसिपल हैव बीन टेस्टेड एंड यूज इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस। ये जो प्रिंसिपल्स या जो लॉ ऑफ लर्निंग है, इनको टेस्ट किया जा चुका है और इनको प्रैक्टिकल सिचुएशंस में यूज किया जा चुका है, इनकी रिलायबिलिटी है, भरोसेमंद है मतलब। तो सबसे पहले हम देखते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस। इसके पहले मैं आपको बता दूं, जो हमने अभी देखा था फैक्टर एसोसिएटेड विथ लर्नर, उससे काफ़ी कुछ मिलते जुलते ही हैं। तो लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ रेडीनेस मतलब होता है कि अगर आप कोई थिंग, स्किल सीखने के लिए रेडी हैं तो आप जल्दी सीखेंगे, या नहीं है रेडी तो आप नहीं सीखेंगे, आपकी लर्निंग उतनी अच्छी नहीं होगी या स्लो होगी। फिर लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ इफेक्ट मतलब क्या होता है कि जो सक्सेसफुल रिएक्शन है, मतलब आप कुछ लर्निंग करते हैं, आप या तो सक्सेसफुल होंगे या अनसक्सेसफुल होंगे, तो जो सक्सेसफुल रिएक्शन है वो आपको सेटिस्फैक्शन देता है, तो उस सेटिस्फैक्शन की वजह से आप और भी नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं। अगर आपको अनसक्सेसफुल रिएक्शन मिला तो आप उस थिंग को या उस स्किल को सीखने से बचेंगे, या फिर आपका जो इंटरेस्ट है लर्निंग का वो कम हो जाएगा। लॉ ऑफ एक्सरसाइज या यूज, अगर हम ऐसी स्किल्स सीखते हैं या कुछ ऐसी सिचुएशंस लर्न, कोई भी थिंग लर्न करते हैं जिनका हमको यूज़ है, हमको एक्सरसाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, तो आप उसको जल्दी सीखेंगे, और एक्सरसाइज की वजह से आपकी या यूज़ करने की वजह से आपकी प्रैक्टिस या जो स्किल है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, आपकी लर्निंग काफ़ी अच्छी होगी। फिर लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी, हम कोई भी थिंग लर्न करते हैं, अगर हम उसको फ्रीक्वेंटली यानी कि जल्दी जल्दी यूज़ कर रहे हैं, जो भी नई स्किल हमने लर्न की थी, तो वो उतना परमानेंट बिहेवियर चेंज होगा आपका। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी कम है न्यू थिंग जो भी हमने लर्न की है उसको यूज़ करने की, तो आपका बिहेवियर उतना जल्दी मॉडिफाई नहीं होगा, या हम बोल सकते हैं लर्निंग उतनी अच्छी नहीं होगी, जो उतना परमानेंट नहीं होगी। लॉ ऑफ डिसयूज, कुछ लर्निंग ऐसी अगर हम करते हैं जिसका हम यूज़ ही नहीं करेंगे, कुछ ऐसी हम चीज़ सीखते हैं या स्किल सीखते हैं या थिंग सीखते हैं जिसको हमको यूज़ नहीं करना है या हम नहीं करते हैं, तो उसको आप जल्दी ही फॉरगेट करेंगे, या उसके साथ जल्दी ही अपना कनेक्शन लूज कर देंगे। लॉ ऑफ रिसेंसी, रिसेंसी मतलब रिसेंट, अभी का जो भी कुछ नया ताज़ा हम सीखते हैं वो हमको जल्दी याद रहता है, हम जैसे टाइम के साथ चीज़ें भूलते हैं, फॉरगेटिंग होती है, तो लॉ ऑफ रिसेंसी मतलब नहीं, अभी कुछ सीखा है तो आपको वो याद होगा ही, क्योंकि आपने अभी अभी उसको एक्सरसाइज किया है, प्रैक्टिस किया हुआ है। लॉ ऑफ प्राइमेसी, प्राइमेसी मतलब ये होता है कि फर्स्ट टाइम कोई भी थिंग, एक्टिविटी या स्किल हम फर्स्ट टाइम करते हैं तो उसको हम कभी नहीं भूलते हैं। जैसे कि हम कॉलेज का पहला दिन आपका, आप कभी नहीं भूलेंगे। कोई भी नई क्लास में हम जाते हैं तो पहला दिन जो है वो हमारा मेमोरेबल होता है, उसको हम कभी नहीं भूलते हैं। यानी कि लॉ ऑफ प्राइमेसी से मतलब है जो भी चीज़ आप पहली बार करेंगे उसको कभी नहीं भूलेंगे। लॉ ऑफ पर्पस, आप क्यों लर्न कर रहे हैं कोई भी थिंग, अगर आपका कोई डेफिनेट गोल है माइंड में, जो आप स्टूडेंट हैं आपका गोल क्लियर है दिमाग में कि हमको ये करना है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, अभी इनिशियल स्टेज में ये कर रहा हूँ, तो आप उसको बहुत अच्छी तरीके से लर्न करेंगे या सीखेंगे।
लॉ ऑफ एसोसिएशन, लॉ ऑफ एसोसिएशन में जब हम बात करते हैं तो किसी एक थिंग के बारे में बात करते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो हमारे दिमाग में क्लियर हो जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें ताजमहल, ताजमहल के बारे में हम बात करेंगे तो हमको याद आ जाता है कि वो मार्बल यानी संगमरमर से बना हुआ है। तो ये हमारा हो गया फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग, उसमें लर्नर को देखा हमने और टाइप ऑफ एक्सपीरियंस, इसके अलावा लॉ ऑफ लर्निंग के बारे में हमने बात की। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ लर्निंग, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग और स्टडी हैबिट। इसके बाद आपका लर्निंग जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा, उसको हम फिनिश हो जाएगा, उसके बाद हम फिर नेक्स्ट टॉपिक कुछ भी उठाएंगे। अभी तो लर्निंग ही रहेगा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।